हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्री नर्सरी के बच्चों को हम क्या क्या चीजें करा सकते हैं। वैसे तो मैं अपने चैनल पे क्लास नर्सरी से 3 तक के स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराती हूँ, बट ये वीडियो मैं एक पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। सो देखते हैं प्री नर्सरी के बच्चों को हम लोग क्या क्या करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्कशीट बनाई हुई है, क्योंकि प्री नर्सरी के बच्चे 3 ईयर्स से भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि 3 ईयर्स के बच्चे नर्सरी में होते हैं, तो प्री नर्सरी के बच्चे तो बहुत ही छोटे होते हैं, तो उन्हें हम ज़्यादा लिखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि इससे थोड़ा उन्हें वो पढ़ाई से भागेंगे। अगर आप ज़्यादा उन पर फोर्स करेंगे कि नहीं लिखो लिखो लिखो, तो वो क्या होगा, वो उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि छोटे बच्चों को हम ज़्यादातर ओरल चीज़ें सिखाएं। लाइक आप उन्हें ओरल अल्फ़ाबेट्स पढ़ा सकते हैं, ओरल काउंटिंग करा सकते हैं, पोएम लर्न करा सकते हैं, और उन्हें जैसे बड़ों से मिलते हैं या अपने फ्रेंड से भी मिलते हैं, तो कैसे हमें गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए, गुड नाइट विश करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ओरल में करानी चाहिए। अब रिटन में क्या कराना है ये हम देखते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को सिंपली एक क्रेयॉन्स दीजिए, और क्रेयॉन्स देके उनको सिंपल पेपर कोई सा भी दे दीजिए, और उनसे बोलिए कि वो इस तरह से उसको स्क्रिबल करें। इससे क्या होगा कि उनकी जो पेंसिल पकड़ने की हैबिट होगी, ठीक है। अगर आपके बच्चा अच्छे से पेंसिल पकड़ ले रहा है, तो आप उसे इस तरह का फिगर ड्रॉ करके दे सकते हैं, और पेंसिल से नहीं, उन्हें क्रेयॉन से ही बोलिए कि पहले इसे ट्रेस करें, इन फिगर्स को ट्रेस करें, और उसमें वो कलरिंग करें। बच्चे कलरिंग बहुत मन से करते हैं, उन्हें मज़ा भी आता है कलर करने में, तो इस टाइप की एक्टिविटी शीट्स बना के आप उन्हें देंगे, तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, और वो कभी भी पढ़ाई से भागेंगे नहीं, वो खुद कहेंगे कि हाँ मुझे ऐसी वर्कशीट दो, मुझे कलर करना है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के उन्हें पहले बोलिए कि ट्रेस करें, और उसके बाद कलरिंग करें। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फिगर बनाए हुए, ये ट्रेसिंग के लिए, ये तो कलरिंग के लिए था, ये मैंने ट्रेसिंग की तरह इसलिए बनाया क्योंकि अगर बच्चा चाहे तो ट्रेस कर सकता है, नहीं तो आप ही उसे पूरा फिगर ड्रॉ करके सिंपल उसे कलरिंग करने के लिए दीजिए। इस तरह से अगर वो कलर करेंगे, तो उनका जो होता है पेंसिल पकड़ने की हैबिट होगी, तभी वो आगे लिखने में भी उनको ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट शीट है, ये ट्रेसिंग के लिए है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट फिगर ड्रॉ करके स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व है, सर्कल है, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं, और क्रेयॉन से ही पहले उनसे ट्रेसिंग कराइए, क्योंकि क्रेयॉन से ही ज़्यादा सही पड़ता है स्टार्टिंग में बच्चों को। जब क्रेयॉन से वो अच्छे से ट्रेसिंग करने लगे प्रॉपरली, तब उन्हें आप पेंसिल की हैबिट डलवाइए। यहाँ पे मैंने कुछ ही फिगर्स ड्रॉ किए, आप चाहें तो इसी तरह के इजी और भी फिगर्स ड्रॉ करके उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ट्रेसिंग के बाद आप कुछ इस तरह की शीट उन्हें बना के दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है, ठीक है। इससे बच्चे ऑब्जर्व करना सीखेंगे, इससे उन्हें कलर की भी नॉलेज होगी, और उन्हें थोड़ा अल्फ़ाबेट्स की भी नॉलेज होगी। कैसे करना है, यहाँ पे आप डिफरेंट सर्कल इस तरह से बना लीजिए, और यहाँ पे सेम सर्कल को ऊपर नीचे सेम कलर्स को कर दीजिए, और उनको बोलिए कि सेम कलर वाले सर्कल को मैच कराना है। नेक्स्ट, सर्कल द सेम लेटर्स। अब यहाँ पे मैंने लेटर ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, और इस क्लाउड्स में मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं, और इस क्लाउड्स में कुछ लेटर्स लिखे हैं। तो बच्चों को बोलना है कि ये जो लेटर बना हुआ है, ये जो पिक्चर बनी हुई है, इसी तरह की सेम पिक्चर को इन क्लाउड्स में जितनी बार बना उसे सर्कल करना है। तो जहाँ जहाँ बच्चे इस तरह का फिगर देखेंगे, यानी ए को देखेंगे, उन्हें वो सर्कल करेंगे। सेम बी के लिए भी है, यहाँ पे बी बना हुआ है, तो इस क्लाउड्स में जहाँ जहाँ बी बने हुए हैं, वहाँ बच्चे इसे सर्कल करेंगे। क्योंकि अभी बच्चे अल्फ़ाबेट सिर्फ ओरल में पढ़ते हैं प्री नर्सरी में, उन्हें ए बी सी डी लिखाया नहीं जाता है, बट अगर उनके सामने बार बार इस तरह के क्वेश्चन आप देंगे, तो उन्हें क्या होगा, थोड़ा वो इन सारे लेटर से फैमिलियर हो जाएंगे, तो बाद में जब उन्हें लिखना होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डिफरेंट शेप्स ड्रॉ किए हैं, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, और यहाँ पे उन्हीं शेप्स को मैंने ऊपर नीचे में कर दिया है. यहाँ भी आपको सेम चीज करना है, बच्चों को बोलना है सेम शेप्स को आप मैच कराओ. ठीक है, बच्चे सेम शेप को मैच करा लेंगे, बट आप उनको एक बार ये चीज रिवाइंड कराते रहिए कि दैट दिस इज ट्रायंगल, दिस इज सर्कल, दिस इज स्क्वायर. तो आप अगर उनको बार बार बताती रहेंगी तो ये चीजें वो स्टार्टिंग से ही सीखते रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सर्कल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या है, यहाँ पे मैंने फिगर्स ड्रॉ किए हैं. अब जैसे इस लाइन में मैंने यहाँ पे वन बॉल, टू बॉल, थ्री बॉल, फोर बॉल, और यहाँ पे वन बैट है. तो बच्चों से बोलना है कि इनमें से जो फिगर डिफरेंट है उसमें सर्कल करना है. तो बच्चा आराम से पहचान जाएगा कि ये सारे तो सेम है, डिफरेंट ये, तो इसको सर्कल करना है. सेम थिंग इसके साथ है, यहाँ पे देखिए ग्रेप्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स एंड हेयर स्ट्रॉबेरी. तो बच्चे इसको सर्कल करेंगे. तो इसी टाइप के और भी ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ करके, इजी इजी ऑब्जेक्ट्स आप बच्चों को दे सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द रेड कैट्स एंड क्रॉस द ग्रीन कैट्स. यहाँ पे मैंने कुछ कैट्स की पिक्चर्स बनाई हुई हैं. यहाँ पे क्या करना है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर की कैट बनाई है. आपको बोलना है बच्चों को कि इनमें से जो जो रेड कैट है उन्हें सर्कल करना है, और जहाँ जहाँ ग्रीन कलर की कैट है उसे क्रॉस. जैसे रेड कैट है तो बच्चे इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे. तो जहाँ जहाँ रेड है उसको सर्कल करेंगे, और जहाँ ग्रीन कैट है उसको ऐसे क्रॉस करेंगे. तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चों को सर्कल करना, क्रॉस करने से उनकी पेंसिल पकड़ने की हैबिट होगी. पेंसिल से कराइए चाहे क्रेयॉन से कराइए. और सेकेंड थिंग ये होगा कि उन्हें थोड़ा कलर्स का नॉलेज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द पिक्चर्स एंड सर्कल द नंबर्स. यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, बच्चों को बोली कि काउंट करें और यहाँ पे नंबर्स को सर्कल करें. अब जैसे आप अल्फाबेट्स बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, तो उसी तरह से आपको काउंटिंग आ ई भी ओरल कराना है. ओरल मीन्स ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही गाते रहें उनको, जैसे पूरी बुक से ही उन्हें आप ओरल कराइए, दिस इज ए, दिस इज बी. और काउंटिंग में भी आप नंबरिंग लिख के उन्हें 1, 2, 3, 4 पढ़ाइए, ताकि वो बार बार उस चीज़ को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ वो 1 है या वो 2 है. वो नंबर्स को, अल्फाबेट्स को, अक्षर को रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अब क्योंकि बच्चे लिख तो पाएंगे नहीं उतने अच्छे से, लेकिन हाँ उन्हें बार बार अगर आप वो काउंटिंग बार बार रिवाइज कराएंगी, डेली एक बार काउंटिंग कराइए, अल्फाबेट्स कराइए, तो उससे क्या होगा कि उनके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि हाँ ये नंबर्स हैं, ए बी सी डी को वो समझ जाएंगे कि वो अल्फाबेट्स हैं. तो यहाँ पे बच्चों को बोले काउंट करें 1, 2, 3, 3 काउंट करके 3 पे बच्चे सर्कल करेंगे. इसी तरह 1, 2, तो 2 पे बच्चे सर्कल करेंगे. आई होप आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि तभी मैं प्री नर्सरी के लिए आगे और वर्कशीट्स लेकर आऊँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.